हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राकेश झा में आप सबका स्वागत है। आज मैं 9th क्लास से मैथ्स में एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स माइनस 1/2 से, थर्ड क्वेश्चन है एक्स, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स प्लस पाई एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो पी एक्स है वो हमारा जो पी एक्स है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स है जिसे आपको डिवाइड करना है वो है एक्स प्लस 1। तो हम इसे यहाँ डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तो इसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इसे रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम से आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपको बता दे रहा हूं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम जी एक्स लेंगे, जी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1, तो इसके इक्वल में हम इसे सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके इक्वल में x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, देन x इज इक्वल टू करेंगे तो 0 माइनस 1 और x का वैल्यू इस तरह आ जाएगा -1। तो ये जो है ना x का वैल्यू आ गया। अब इसी x के वैल्यू को हम अगर px में रख दें तो जहां जहां x है वहां हमें x का वैल्यू पुट करना है। तो इस तरह से आपका जो रिमाइंडर है वो फाइंड हो जाएगा। तो नाउ चलिए, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। नाउ हम इसे पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां हम -1 पुट करेंगे, फिर 3 × -1² प्लस 3 × -1 और प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर दे, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 × -1 तो इक्वल टू -1 ही होगा। फिर यहाँ 3 × -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 तो ये प्लस 1 में बदल जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस × -3 हो जाएगा और प्लस 1, फिर इक्वल हो गया -1 प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा, यहाँ -3 और ये है +1। तो इस तरह से आपको हो जाएगा -1 और -3, तो ये हो जाएगा -4, +3 और +1 ये हो जाएगा +4, क्योंकि प्लस वाले को प्लस में ऐड कर दीजिए, जो माइनस है उसको माइनस में ऐड कर दीजिए, आप -+-, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आ गया। तो इस तरह आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह आसानी से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम सेकेंड में चलते हैं। तो इस तरह आप जो है x -1/2 से भी और x से भी और x प्लस पाई से भी और फिफ्थ 5 प्लस 2x से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, उसी तरह आप x -1 x -1/2 इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x इक्वल टू 0 माइनस को इधर लाएंगे तो +1/2 होगा और यहाँ 1/2 रखे से पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ x है तो x के में सके साथ कुछ नहीं दे रखा है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो तो 0 यहाँ पुट कर देंगे। जब ये 0 पुट करेंगे तो जहां तहां 0 आ जाएगा और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। उसी तरह x प्लस पाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो x = -π आ जाएगा, वही -π यहाँ पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें जैसे 5 प्लस 2x है तो 5 प्लस 2x = 0 ऐसे रख देंगे तो 2x = -5 आ जाएगा इधर, और फिर x = -5/2 हो जाएगा, तो वही -5/2 इसमें रखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी सब इसी के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए हम इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। यानी आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये जो है पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करना है x - a से। तो इसमें जो पी एक्स है वो आपका क्या है, एक्स क्यू है, -x² है, प्लस 6x है
और माइनस ए है, और इसको डिवाइड जी एक्स क्या है, इसमें जो डिवाइड करना है जिससे वो है एक्स माइनस ए। तो हमने पहले बताया जैसे रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो जी एक्स है उसके इक्वल में आप जीरो रख लीजिए तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा ए। आप इसी पी एक्स में ए को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा जहां एक्स है वहां आप ए रखिए और माइनस ए इंटू ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो ए आ जाएगा है ना, फिर प्लस सिक्स इंटू ए हो जाएगा जहां जहां एक्स है वहां हमें ए पुट करना है क्योंकि एक्स इक्वल टू ए फाइंड हुआ है, तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस सिक्स ए और माइनस ए। देखिए ए क्यू प्लस है और ये माइनस है तो वन ए क्यू में से वन ए क्यू माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा जीरो हो जाएगा, और सिक्स ए में से माइनस ए माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा फाइव ए। तो इस तरह ये आपका आंसर हो गया, तो इस तरह पी ए फाइंड करेंगे तो ये डिवाइड होकर क्या बनेगा एक्स माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे है ना, तो x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 5a। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको चेक करना है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x इसमें इसको इसे आपको डिवाइड करना, मतलब इसको डिवाइड करने पर ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जब रिमाइंडर थ्योरम से जाएंगे तो जब x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए, अगर इसका रिजल्ट जीरो आ गया दैट मीन्स इट इज द फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज 7 प्लस 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें जी एक्स फाइंड कर लेना है, तो जी एक्स इक्वल टू कितना है 7 प्लस 3x, और अगर हम जी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो यहाँ 7 प्लस 3x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इस तरह x इक्वल टू 7 को इधर लाएंगे तो माइनस 7 होगा और 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में बन जाएगा, तो इस तरह x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3, माइनस 7 अपॉन 3। अब इसको हम क्या करेंगे पी एक्स में पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x, 3x क्यू प्लस 7x ये है, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं तो माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 से, तीन बार सॉल्व कर लेंगे इसे 3 इंटू और 7 7 से 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 यहाँ रफ कर लीजिए 49 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 63, 6 कैरी हो जाएगा 7 4 28 6 ये 3 4 3 हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा माइनस 3 4 3 और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा 27 और यहाँ ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 49 अपॉन 3 और 3 × 9 = 27 तो इस तरह आपका बच गया, क्या बच गया माइनस 3 4 3 अपॉन 9 और माइनस 49 अपॉन 3। इसको आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 9 आएगा और 9 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 आएगा आपके पास, फिर माइनस 3 3 जा 9 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 9 = 27 7 2 कैरी हो गया 3 4 = 12 2 14 तो इस तरह 147 हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तो ये माइनस में ही रिजल्ट आएगा 7 3 10 हो गया, 1 कैरी हो गया 4 1 5 5 4 9 हो गया यहाँ ठीक है और 3 1 4 हो गया तो ये हो गया आपका 7 4 9 4 9 0 and upon 9। तो ये जो है हमारा जीरो के इक्वल में नहीं आया, इसका मतलब है कि जो जी एक्स है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह ये सवाल क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको 2.3 समझ में आया होगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद।